अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अली। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। इसमें मैं आपको कहूंगा बताऊंगा दावा के आईपी कैमरा को हाइक्विन के एनवीआर पे कैसे कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले हम इसको कनेक्ट कर लेंगे पीयू के साथ कैमरा को, उसके बाद पीयू के साथ हम एनवीआर राउटर को भी कनेक्ट कर लेंगे पैच केबल के थ्रू। कनेक्ट करने के बाद हम एनवीआर की सेटिंग पर आ जाएंगे। सबसे पहले हमने एनवीआर के सारी सेटिंग्स को एक दफ़ा रीसेट कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। हमने सारे कैमरे पहले वाले एग्जिस्टिंग डिलीट कर दिए हैं। उसके बाद हम नेटवर्क सेटिंग पे चले जाएंगे। नेटवर्क सेटिंग पे हम अपनी आईपी की सारी सेटिंग्स कर लेंगे। आईपी की सेटिंग हमने अपने राउटर के मुताबिक करनी है, जो हमारे राउटर के आईपी पूल चल रहे होंगे उसके मुताबिक हमने इसकी सेटिंग्स करनी है। डीएनएस और गेटवे भी राउटर के हिसाब से ही रखना है, ताकि हमारे कैमरा ऑनलाइन चल सकें। जी, आपने अच्छे तरीके से अपनी सेटिंग कर लेनी है, इसको रीचेक कर लेना है कि कोई भी चीज़ आपकी जो है ना रॉन्ग तो नहीं है। अगर रॉन्ग होगी तो फिर हमारे कैमरा ऑन नहीं होंगे। ये आपने जो है डीएनएस रखना है, ये आपने राउटर का देखना है। वैसे यूनिवर्सल तो 8888 होता है, हमारा तो यूनिवर्सल ही चल रहा है, आपने अपने राउटर के मुताबिक रखना है। उसके बाद हमने अपना हाई कनेक्ट ऑप्शन पे आ जाना है। हाई कनेक्ट हमारा बेसिकली होता है मोबाइल व्यू के लिए, इसको हमने इनेबल कर लेना है। इनेबल करके अपना वेरिफिकेशन कोड रखना है, तो हमारा स्टेटस ऑनलाइन हो जाएगा। स्टेटस ऑनलाइन होने के बाद अपने हमने बाइंड स्टेटस देखना है, वो भी अनबाइंड ही होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने अपनी सेटिंग्स जो चेक करनी है, तो वो मोबाइल से इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ये मैंने एक मोबाइल की स्क्रीन वीडियो चला दी है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी आईपी चेक कर सकते हैं राउटर की। उसके बाद हमने अपने लैपटॉप पे आ जाना है कैमरे की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। कैमरे का जो आईपी पूल है, उस हिसाब से हमने अपनी आईपी सेट कर लेनी है लैपटॉप पे। फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन में टूल में जाके आईपी चेक करनी कैमरे की, और उसको हमने ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। ब्राउज़र में ओपन करने के बाद हमने कैमरे का जो है रीजन सेलेक्ट करना है एक्टिवेट करने के लिए। आईपी सर्च करने के बाद ये आ जाएंगे। अभी ये रीजन सेलेक्ट कर लें अपना। रीजन सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमने टर्म एंड कंडीशंस जो हैं उसकी उसको एग्री कर लेना है, जो दावा की टर्म एंड कंडीशंस हैं, इसके बगैर कैमरा नहीं। उसके बाद टाइम को हमने सिंक कर लेना है अपने सिस्टम के। टाइम को सिंक करने के बाद हमने अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। सबसे पहले हमने अपना जो पासवर्ड रखना है उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, ताकि कोई इजीली एक्सेस ना कर सके। उसके बाद हमने कंफर्म पासवर्ड डाल लेना है। कंफर्म पासवर्ड के बाद हमारे पास ईमेल की ऑप्शन है, वो ऑप्शनल होती है, आपने रखनी है तो रख लें, नहीं तो रहने दें। उसके बाद हम P2P इनेबल करके ऑन कर देना है। फिर उसके बाद हमने अपने कैमरा को लॉगिन कर लेना है, यूज़र नेम डालना है, और जो पासवर्ड हमने रखा है वो हमने पुट करके इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमारे पास लाइव व्यू आ जाएगा कैमरे का, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इसकी नेटवर्क सेटिंग में जाना है। नेटवर्क सेटिंग में जाके अपने एनवीआर और राउटर के हिसाब से हमने इसकी आईपी सेट कर लेनी है। जो भी आईपी पूल उधर चल रहा होगा उसके हिसाब से हमने कैमरे की आईपी सेट कर लेनी है, और गेटवे भी सेट कर लेना है। फिर हमने सेटिंग को सेव करना है। सेव करने के बाद हमारे कैमरे की आईपी चेंज हो जाएगी। चेंज होने के बाद हमने ब्राउज़र पे दोबारा देखना है, हमारी पहले वाली आईपी सर्च नहीं होगी, हमारी न्यू आईपी आ जाएगी। उसके बाद हमने एनवीआर की सेटिंग पे चले जाना है। हमारा कैमरे की जो आईपी हमने रखी है वो देखना है कि इनिशियलाइज़ हमने लैपटॉप से ही करना है, क्योंकि दावा का कैमरा हाइक्विन के एनवीआर पे इनिशियलाइज़ नहीं हो सकता, इस वजह से आईपी शो नहीं होगी। इनिशियलाइज़ करने के बाद आपके पास शो हो जाएगी। फिर आपने उसकी डिटेल्स डाल के इसको ऐड कर लेना है कैमरे को। तो कैमरे को ऐड करने के बाद आपने पासवर्ड रॉन्ग देगा, आपने अपना पासवर्ड रखना है। पासवर्ड देने के बाद आप ये देख सकते हैं, ये हमारा कैमरा जो है ना स्टेटस ऑनलाइन हो गया, ये हमारा कैमरा हाइक्विन के एनवीआर पे चल गया। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे विज़िट करते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।